कैसा लगा? अति सुंदर। लेकिन गोपाल, ईश्वर की स्तुति के लिए खुद को कष्ट देना उचित नहीं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। भला बच्चों को कष्ट में देखकर माता पिता खुश कैसे हो सकते हैं? मुझे लगा हाथ में जलता कपूर देख के साईं बाबा मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे तो और बड़ा इनाम देंगे। गोपाल, तुम्हारी राम स्तुति सुनकर हम सारे शिरडीवासी बहुत प्रसन्न हुए। मैं इन सब की ओर से तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। साई, आपका आशीर्वाद पाने के लिए तो हम इतना दूर से आए। इससे तुम्हारी जली हुई हथेली ठीक हो जाएगी। भस्म कौन देता? केशव, इनकी व्यवस्था में कोई कमी ना रह पाए। ये हमारे मेहमान हैं। अगले कुछ दिनों तक हम इनसे सुबह शाम राम स्तुति सुनेंगे। सुनाओगे ना गोपाल? जी बाबा, इसी के लिए तो शिरडी आए आपके पास। साई बाबा अचानक कहाँ चले गए? कोई परेशानी में होगा, उसी की मदद करने गए होंगे। साई को सबकी चिंता रहती है, किसी का दुख उनसे छुपता नहीं है। हम सामने बैठे हैं, हमारी फिक्र नहीं, दूर किसी की चिंता करते, ऐसा कौन है? मुन्ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मैं तुम्हें लोरी नहीं सुना सकती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना नहीं है। भीनी, भीनी, निंदी आके सब नीले गाँव में सौंधी सौंधी
ये तो लोरी सुने बगैर रोना बंद नहीं करेगा, और मैं गाती हूँ तो खांसी उठ जाती है। पता नहीं इसके बाबा को आने में आज इतनी देर क्यों हो रही है। इसे गोद में लूं तो ये डर है कि मेरी वजह से ये भी बीमार ना हो जाए। उस दिन मैंने तुम्हें अपने बच्चे को छूने नहीं दिया था, लेकिन तुम जानती हो बच्चे को कैसे संभाला जाता है, उसके लिए क्या जरूरी है। तुमने इसे शांत कर दिया। मेरे लिए आश्चर्य की बात इसलिए है कि आज से पहले इसे या तो मैं चुप करा पाई थी या फिर उस दिन साईं बाबा।
मुन्ने को रोता हुआ कैसे देख सकती थी? मौसी जैसी तो हूँ इसके लिए। अभी आप आराम कीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। भिक्षाम देही। साईं बाबा, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मुन्ना कहाँ है? सो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज उसके मौसी ने उसे लोरी गाकर सुला दिया। ये उदी रख लो। जी बाबा। और एक बात, दान में क्या देना है पता होना चाहिए, और दान हमेशा सत्पात्री को ही दिया जाना चाहिए, यानी कि सही हाथों में जाना चाहिए। ख्याल रखना, कहीं अनजाने में किसी गलत हाथ में कोई चीज ना चली जाए। राम जी भला करें। साईं बाबा ने क्या कहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया।